ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज जैसी दूरसंचार कंपनियां AGR का बकाया चुकाने में मुस्तैदी दिखाई है। एयरटेल ने कहा कि उसने इस मद में 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। वोडाफोन भी 3,500 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया है। तीनों कंपनियों पर ही संयुक्त रूप से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का AGR बकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर के तमाम दबावों के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून पर हम कायम थे और कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, और ये फैसले देश हित में जरूरी थे। पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर ट्वीट कर सफल कार्यालय के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और अपने ट्वीट में लिखा, हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद सर, काश आप यहां आ पाते, लेकिन मैं समझता हूं कि आप व्यस्त थे। हमें अब दिल्ली को सभी भारतीयों के लिए गर्व का शहर बनाने में सही दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसमें बोगी नंबर B5 में सीट नंबर 64 भगवान महाकाल के लिए आरक्षित रहेगी। चंदौली के पड़ाव से रिमोट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को रवाना किया था। बताया जा रहा है कि इसमें जाने वाले यात्रियों के मनोरंजन और आध्यात्मिक एहसास के लिए भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 14 साल बाद बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। झारखंड में एक अदद आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं और जो झारखंड की राजनीति का जाना माना नाम है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जामिया के मामले में एक कविता लिखी है जिसके जरिए उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल ने लिखा है, पुलिस की जामिया लाइब्रेरी में बर्बरता जब पुलिस छत छुपाती है, जब युवाओं के साथ संवाद नहीं होता है, जब भाषण में कोई तर्क ना हो, जब सरकार एक जासूस बन जाए और डाटा पूरी तरह झूठा हो, तब धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। महाराष्ट्र बाईगुला के मझगांव में स्थित GST भवन में आग लग गई है। मौके पर दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में किसी भी जनमाल को नुकसान की खबर नहीं है। भवन में मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत ने कोरोना वायरस पर बड़ी सफलता दर्ज की है। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 भारतीयों को संक्रमण खत्म हो गया है, जिसमें से तीसरे मरीज की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 24 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले कार्यक्रम का नाम केम शो ट्रंप नहीं बल्कि नमस्ते ट्रंप होगा। ऐसा क्यों किया गया है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने कार्यक्रम को राष्ट्रीय फलक देने के लिए नाम में बदलाव किया है। पाकिस्तान की व्यापारिक राजधानी कराची में एक कार्गो शिप से केमिकल उतारने के दौरान जहरीली गैस के कहर से हड़कंप मच गया है, जिसकी चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कराया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती लोगों को अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बिग बॉस 13 के फेमस कंटेस्टेंट रहे आसिम रियाज ने पूरे सीजन बिग बॉस 13 के विनर बने सिद्धार्थ शुक्ला से जमकर सामना किया। इसके बाद आसिम को बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आसिम जल्द ही करण जौहर की फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।